वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स वंस अगेन। तो अभी आपको दिखाने लगे हैं जो हमारे दशहरे का प्रबंध हो रहा है, जो रावण के एफिजीज हैं जिनको पुतले बोलते हैं। तो अभी आज हम इसको क्रेन के सहायता से खड़ा करेंगे। एक ये है, मुझे नहीं मालूम कि क्लैरिटी कितनी है कि धूप बहुत है। तो हमारे जो कारीगर हैं, ये मेन है रावण का जो मेन एफजी है, जो पुतला है ये वाला है। तो अभी इसको क्रेन से फिट करेंगे, कारीगर है ये, स्पेशलिस्ट हैं ये लोग। तो बाकी अभी क्रेन आ रही है, क्रेन के साथ इनको खड़ा करेंगे। तो गाइज, आज जो व्लॉग शूट कर रहे हैं ये 2 दिन में शूट होगा। शायद मे बी इसके मैं 2 पार्ट बनाऊं, तो आपको 2 पार्ट्स में दिखाऊं। अगर लंबा ना हुआ, कोशिश है कि 1 पार्ट में दिखाऊं। तो आज दशहरे से 1 दिन पहले ये हम तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी कमेटी है दशहरा कमेटी। तो अभी क्रेन्स वगैरह आएंगी, कल को दशहरा है, फायर वर्क्स कल को होगा। तो आज जो व्लॉग दिखाने वाले हैं वो दशहरे के रिगार्डिंग है। तो भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास काट के अयोध्या पहुँचे थे, तो उस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। तो रावण भी बहुत इंटेलिजेंट था, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, तो ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को सब मालूम है। फिर भी जो ये व्लॉग है, ये व्लॉग है रिगार्डिंग जो हम ये तैयार कर रहे हैं, इस पर सब कुछ दिखाएंगे। तैयार हो गया है, देख सकते हैं जैसे ये सारा प्रबंध है, बच्चों के राइड्स हैं पीछे। मैं थोड़ा घूम के दिखा देता हूँ आपको, है काफ़ी दूर दूर। ये सारा ग्राउंड है लोगों के लिए, पुलिस का प्रबंध है, वो स्टेज है जो मुख्य मेहमान वीआईपी आएंगे, तो ये उनके लिए है। वीआईपी कल्चर तो चलो ख़त्म होना चाहिए, लेकिन हम बोल सकते हैं जो साधु संत महात्मा आएंगे उनके लिए। बाकी मैं पॉलिटिक्स पे तो नहीं बोलूँगा। ये स्टेज है, ये काफ़ी बड़ा मिलिट्री ग्राउंड है हमारा दशहरे का। तो सब लोग अपना अपना वर्क कर रहे हैं। तो गाइस, ये जो हमारे शहर के सफाई सेवक हैं, तो ये सबसे बड़ी सेवा है इनकी, इन लोगों की। तो ये ग्राउंड को क्लियर कर रहे हैं, ग्राउंड में बहुत बड़ा ग्रास था तो उसको ये क्लियर कर रहे हैं। वो आगे स्टेज, उसके उधर राइड्स हैं बच्चों की, और ये कुछ स्टॉल्स हैं खाने पीने के, अभी पास से दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। इतना ग्रास इस ट्रॉली से निकाला हम लोगों ने, मेघनाथ रावण कुंभकर्ण। देखिए ये अंदर से है, ऐसे होता है, ये बैम्बू बांस से और लोहे के इससे सहारा दिया गया है पाइप से। इसके अंदर फायर वर्क्स पटाखे हैं जो फिट हो जाएंगे। यह है अंदर से, माथा टेक रहे हैं जी। यहाँ रावण का मेन है जी पुतला, ये हमारे ब्रह्मदेव जी। ये जी हम मेघनाथ के पुतले का माथा टेक रहे हैं ब्रह्म जी के साथ। ये क्रेन से हम खड़ा करने लगे हैं जी रावण को। अरे कहाँ है उसका जुगाड़ करना यार। ये रावण को खड़ा करने लगे हैं। ये पीछे क्रेन है, क्रेन से सारे जो एफिजीज हैं, जो सारे पुतले हैं उससे खड़ा करेंगे, क्रेन से। क्रेन बुला ली। ये रावण जी का जो पुतला है, जो एफजी है, ये क्रेन डल गई है उसको स्टैंड करने के लिए, खड़ा करने के लिए। धूप बहुत पड़ रही है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा शायद। ये मेरे पीछे क्रेन है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी इसको, जो इसकी स्टैंडिंग की प्रक्रिया है, उसको खड़ा करने लगे हैं। उसके बाद मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हैं मेघनाथ का पुतला है और कुंभकर्ण का। तो इनको हम अभी, तो ये आपके सामने बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, वो पाइप है जिसपे सारा वजन है इसका, बड़ा केयरफुली, मतलब जो काम है, ये वर्क है, बड़ा केयरफुली करने वाला है, क्योंकि नाजुक सा होता है ये कागज़ है और
थोड़ा पतला कपड़ा है। ट्रेन की मदद से रावण का पतला उठाते हुए ये मेन पाइप है जी, जिसपे सारा वजन आना है। ये देखिए, ये सारा वजन इस पे टिका हुआ है सारा। ये मेन जो पतला है। जैसे गाइस आप देख रहे हैं, ये क्रेन और तीन रस्सियों की, ये भाई खड़ा मेरे पास, एक वो खड़ा है, एक ये इधर खड़े हैं, और ये नीचे सेट कर रहे हैं। ये मेन फेस, अभी इसको सीधा करना है, अभी सीधा नहीं हुआ, मतलब बड़ा ध्यान से काम करने वाला है, कोई मतलब ऐसे नहीं है कि, क्योंकि ये बड़ा नाजुक सा होता है। ये उठा रहे हैं हम जी अभी मेघनाथ जी का पतला, वो क्रेन की सहायता से। जैसे आप देख रहे हो ये रॉड है, इस पर ही सारा मेन वजन है, जो टोटली वजन है इस पर है, जो ये रॉड है। लास्ट टाइम बैम्बू यूज़ हुए थे, इस बार हमने रॉड यूज़ की है। नहीं आ रही होगी, आप जैसे कि पीछे देख रहे हैं लोग माथा टेक रहे हैं यहाँ पे, और उधर स्टेज से आवाज बहुत आ रही है, लोगों का रश देख लीजिए। मुकेश सिंह जी, ये लोग जो जौ होते हैं हमारे टांगते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं मालूम, वो यहाँ चढ़ा रहे हैं। इसके बाद एंट्री लोगों की बंद हो जाएगी, एंट्री बंद होने के बाद सिर्फ वॉलंटियर्स ही रहेंगे। जी गाइस, 3 बज गया करीबन 3, और तैयारी हो गई है कंप्लीट। अभी थोड़ी देर में बाकी की तैयारियां, फायरवर्क्स आपको दिखाएंगे, वो होगा। आप भीड़ देख सकते हो, लोगों की भीड़ कितनी है, पीछे सिंगर लगे हुए हैं, अभी फेमस सिंगर आर्नेट 4 बजे। गाइस ये देखिए, ये हवा के अनुसार उड़ाने लगे हैं, जो छतरी होती है उसको ट्राई करने लगे हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये पीछे भीड़ है। 6 बजे के करीब हम लोग रावण दहन का प्रोग्राम करेंगे, 6 बजे के करीब। अभी तकरीबन 5:45 हुए हैं, तो वो हम हवा की डायरेक्शन देख रहे हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, हम हवा की डायरेक्शन देख रहे हैं, ये हवा की डायरेक्शन किधर है, वो हिसाब से छतरी उठ जाएगी। गाइस जैसे आप देख रहे हैं, वो अम्ब्रेला अभी आग लगी है, वो हमने छोड़ी थी, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। गाइस जैसे आप देख रहे हैं, फायरवर्क स्टार्ट हो गया, अभी रावण दहन का प्रोग्राम होगा, इसके बाद ये सारे फायरवर्क टाइम हो गया है रावण दहन का। मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, और ये सारे लोग जो हमारे हैं, और वो प्रभु राम पीछे आ गए हैं। देखिए आप, दशहरा अपने आप के विच एक बहुत बड़ा इतिहासिक दशहरा हो गया, क्योंकि आज तक
प्रोग्राम है जो शुरू हो गया है, ये सारी टीम हमारी पूरी टीम ब्रह्म जी के साथ रेडी है जी, पूरी टीम है जी। गाइस जो इलेक्ट्रॉनिक पहली बार अनार यूज करने लगे हैं हम, इसमें जो एफिजीज हैं पुतले हैं, तो अभी आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक अनार जिसको हम बोलते हैं वो स्टार्ट हो गए। अभी मेघनाथ कर रहे थे, इनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास काफी है, रिकॉर्डिंग की हुई। तो गाइस अभी देखिए मेन रावण दहन का जो पुतला है वो शुरू होने लगा है। ये देखिए हनुमान जी और रावण जी, वो देखिए ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਾਇਸ ਦੇਖੀਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਗਾਇਸ ਦੇਖੀਏ ਰਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਐਫ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਦਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦੇਖੀਏ तो आज का व्लॉग गाइस सैकड़े शख्सियतों दशहरे के साथ सामाजिक तो राजनीतिक मंच तो हो रहा है। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बड़े लोगों का बड़े शख्सियतों का नाम भी ले नहीं ले सके। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं और व्लॉग्स बना सकूं। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, देखते हैं कुछ आपको अगला अच्छा कोई कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। हिम्मत सिंह जी साढ़े पहुंच